सत श्रीकाल जी, मैं रणबीर सिंह राणा लुधियाना दे विच मौजूद हाँ महाराजा रीजेंसी, जिथे अज पंजाब भाजपा के सूबा प्रधान अश्विनी शर्मा पहुंचे हुए ने। लुधियाना पहुंचन ते भारतीय जनता पार्टी के वल्लों उन्हां दा निघा स्वागत किया गया। तस्वीर तुसीं इस वेले देख सकते हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय प्रधान जे पी नड्डा ते पंजाब प्रधान अश्विनी शर्मा। तो इस थान ते दा महाराजा रीजेंसी दे विच भाजपा का समागम हो रहा है, पर दूजे पासे बाहरले पासे जिहड़ी किसान जथेबंदियां ने प्रोटेस्ट कर रही ने। तस्वीर तुहानूं दिखाउंदे आ कि अंदर जिहड़ा ये भाजपा का सम्मेलन चल रहा है। सो तस्वीर तुसीं देख पा रहे हो कि भाजपा की जिहड़ी मीटिंग है वह अज इस होटल दे विच हो रही है। अश्विनी शर्मा पंजाब दे प्रधान जिहड़े ने वह मौजूद ने। तुसीं देख सकते हो कैमरामैन परविंदर तुहाडे तक ये तस्वीर पहुँचा रहे हैं। इस एसी होटल दे विच इकट्ठ जिहड़ा है वह किया गया है। भाजपा दे आगू मौजूद ने, पंजाब प्रधान अश्विनी शर्मा मौजूद ने, लुधियाना की पूरी लीडरशिप मौजूद है, तो होर भी वड्डे आगू जिहड़े ने वो इत्थे मौजूद ने। दरअसल भाजपा यह समझाउण की कोशिश कर रही है कि जिहड़े खेती कानून ने वह लोकां दे खासकर किसानां दे हक दे विच ने। अश्विनी शर्मा मौजूद ने स्टेज पर, सूबा प्रधान ने, तो लगातार तुसीं देख सकते हो कि खेती कानूनां दे हक दे विच वो इत्थे पहुंचे हुए ने। सोदा महाराजा रीजेंसी दे विच तस्वीरां तुहानूं दिखा रहे हैं कि जिथे अज भाजपा का वड्डा सम्मेलन जिहड़ा हो रहा है। खाने का पूरा प्रबंध है, चाह कॉफी तो लेके हर चीज़ का प्रबंध है, एसी हॉल है, तो बाहर जिहड़े किसान ने धुप दे विच डटे हुए ने, तुहानूं वो भी तस्वीरां दिखावांगे। तो वड्डी गिणती दे विच जिहड़े पुलिस अधिकारी ने वह इत्थे मौजूद ने सिक्योरिटी दे लई। वड्डी गल है क्योंकि पंजाब दे प्रधान अश्विनी शर्मा इत्थे पहुंचे हुए ने, तो लगातार जिहड़ा ये भाजपा आगूआं दा क्योंकि विरोध किया जा रहा, जिथे भी कितें भाजपा आगू पहुँचते हैं उन्हां दा विरोध किया जाता है। क्योंकि किसान यूनियन इस तो पहला लगातार ये गल कह चुकी है कि जिथे भी भाजपा के आगू जाणगे तां उन्हां दा विरोध किया जाऊगा। सो तुहानूं बाहर दीआं तस्वीरां भी दिखावांगे कि जिथे लगातार किसान जिहड़े ने वह अंदोलन कर रहे हैं, तो वड्डी गिणती दे विच पुलिस फोर्स जिहड़ी आ उह मौजूद है। ये तस्वीर तुहाडे तक कैमरामैन परविंदर पहुँचा रहे हैं कि ये जिहड़ियां पुलिस वड्डी गिणती दे विच तुसीं देख सकते हो, पुलिस के मुलाजम देख सकते हो, जिथे कितें भी ये वक्तरबंद गड्डियां जिहड़ियां ने वह तुसीं देख सकते हो। तो दूजे पासे किसान जथेबंदियां जिहड़ियां ने वह थोड़ी दूर तक बैरीकेडिंग की हुई है, तो लगातार जिहड़ा अश्विनी शर्मा का वह विरोध है वह किया जा रहा है। तुसीं देख सकते हो कि गड्डियां का प्रबंध है, वड्डी गिणती दे विच पुलिस फोर्स तैनात है दूर तक, तो बैरीकेडिंग जिहड़ी है इस वेले वो कीती हुई है कि किसान यूनियन के आगुआं नूं अगे ना वधन दिता जाए। सो लगातार ये जिहड़ा प्रोटेस्ट है ये जथेबंदियां दे वल्लों कीता जा रहा है, जमहूरी किसान सभा दे वल्लों ये प्रदर्शन इस वेले इत्थे कीता जा रहा है। तुसीं देख सकते हो कि सामने जिहड़ा होटल है, तो दूजे पासे प्रोटेस्ट जिहड़ा है वो किसान जथेबंदियां दे वल्लों कीता जा रहा है। सारे वीरो, एक जिहड़ा धोखा अजकल खड़ा किया जा रहा है, क्योंकि लगातार 2014 तो सो अश्विनी शर्मा का विरोध करने के लिए इत्थे किसान जथेबंदियां पहुंचिया हुई ने। जमहूरी किसान सभा है, किरती किसान यूनियन है, होर कई जथेबंदियों के आगू पहुंचे हुए हैं। प्रोफेसर जयपाल इस वेले साडे नाल ने, वड्डा कारण की है विरोध का अज फिर इत्थे पहुंचे हो? देखो, खेती कानूनों का विरोध तो असीं बहुत लंबे समय तो ही कर रहे हैं। अज का जिहड़ा विरोध है वो दो कारण ने। एक तो भी मोदी ने जिहड़ा सरकार ने सद्या सीगा किसान जथेबंदियों नूं, उत्थे जाके किसान जथेबंदियों की इंसल्ट की गई, सद्या ये करके सी भी उत्थे मंत्री आऊ, गलबात करूँ, थोड़ी गल सुनूगा, क्योंकि उदू पहला भी सैकटरी ने सद्दा दिता सी, उस सद्दे च लगता सी भी ये निजी सद्दा है। उदू बाद उन्होंने सरकारी सद्दा दिता, तो सरकारी सद्दे के उत्ते किसान जथेबंदियां गई, तो उन्होंने इस गल दे विच इंसल्ट फील की। तो अज असी सारे पंजाब च मोदी के अड अड थावां दे उत्ते पुतले फूक रहे हैं, बाकी संघर्ष जिवें अगे चलता उहदे नाल ही भाजपा आगूआं जिथे भी जाणगे विरोध कर रहे हो, हुण भी कर रहे हो। हाँ, दूसरा जिहड़ा अज इत्थे आउण दा कम
क्योंकि भाजपा आगुआ का जिथे भी कितने चाहे वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राही कुछ कर रहे हैं चाहे निजी तौर पर जा रहे हैं चाहे कितने कोई कदी थान ट्रैक्टर मार्च करने की कोशिश की है कोई एक भी थान अजि नहीं जिथे भाजपा आगुआ का विरोध ना होया हो लुधियाने अज आने का सूँ सवेरे 8-9 बजे पता लग्या असी जिथे अड्ड अड्ड थावां ते लोग बैठे उन्होंने पांच पांच सात सात प्रोग्राम है शांतमई है काले झंडे दिखाने हैं कई थावां ते थोड़ा जिहा हिंसक भी होया साडा कोल जिथों तक हैगा किसानां दा ओह कोल च किते ना हिंसा होई है ते ना होनी है क्योंकि असी समझदे हां वी ये लंबा कोल है लंबे कोल तां लड़े जांदे आ जे लोकां दा जन समर्थन तुहाडे नाल होवे कई बार जलंधर च देखिया सी क्रॉक कीता गया कई घंटे तक निकल नहीं दिता गया बाहर कोई इस तरह का प्रोग्राम तो नहीं है देखो बाहर ना निकलन देना होर चीज है हिंसक होर चीज है नहीं गड्डे शीशे भी कितने भन्ने गए चलो वो जिहड़े भन्ने है वो किसी होर ने भन्ने है ते उहदे ते अज तक ना सरकार कुछ दस सकी है ना ये दस सके है लोग खदशा करते हैं शक करते हैं भी ये ड्रामेबाजी की है उन्होंने अजे अटैक की कोई पता नहीं की होया की ना होया लगता कि हमेशा शांतमय ही होना चाहिए क्योंकि कई बार सरकार आप जान बुझ के अजिहा कर लेंदिया ने कि जो संघर्ष की रूपरेखा है ना डाइवर्ट हो जाए थोड़ा जहा मैं थोड़ा एक उदाहरण देनी चाहना पिछे मैं 7 तरीक नूं उत्थे गया शंभू बार्डर से जोड़ा उत्थे लाइना तो मोर्चा है उत्थे उदू बाद कंवर गरेयाल दूजे सारे भी आए थे मैं उत्थे बोल के आए हाँ उत्थे स्टेज तो अनाउंस किया गया भी रात को जो धरना चलता है उसमें कुछ बंदियों ने कोई फिरकू नारे एक दो लाए है भी असी यदा सख्त नोट्स लेंदे हैं तो असी ड्यूटियां लाती बंदियों दी भी अजिहा कोई कुछ ना कर सके ये जथेबंदियां बड़िया मच्योर ने इन्हों पता है भी किहड़ी गल नाल दिशा बिगड़ सकती है होर गल हुई है कामरेड साहब नूं शहीद कर दिता गया गोलियां मार के ये जिहड़ी इस वेले ये घटना का होना मैनु ए लगता है भी ए कैप्टन सरकार की शरेआम गलती है उस मुंडे उस परिवार को उन्होंने 42 बार उन्होंने हमला होया तो उन्होंने वो हमले पछाड़े हुए है तो वो चारे परिवार के मैंबरों शौरीय चक्कर मिलया होया सी उन्होंने सिक्योरिटी जी विड्रॉ की है बार बार इस गल के बावजूद के डी जी पी के भी ध्यान चाहिए भी वो सिक्योरिटी वापस नहीं होनी चाहिए उन्हें एस एस पी उत्थे कहा कमिश्नर कहा तो उन्होंने पता नहीं क्यों विड्रॉ की है कि उत्थे एजेंसी काम करती है जिदे च यह कुछ होया हो वड्डी जांच की मांग है तो उन्होंने एक्शन होना चाहिए जिन्होंने सिक्योरिटी विड्रॉ की रघुवीर सिंह बैनीपाल इस वेले साडे नाल ने जमहूरी किसान सभा तो ने भाजपा आगुआ का विरोध करने पहुंचे हो तो किसान जड़े ने खेती कानूनों का भी लगातार विरोध कर रहे हैं पर हाले जी मोदी सरकार और ट्रस्ट तो मस नहीं हो रही हैगी राणा जी आप लगातार पिछले दिनों तो जब तो संघर्ष चलता कई बारी रूबरू हो चुके हैं असी लगातार जोड़े प्रोग्राम दते ने उन्होंने प्रोग्रामा की सफलता का कारण उन्होंने प्रोग्रामा की सफलता का इस तरह का दबा कि जी सरकार पंजाब की कैप्टन की सरकार जी पहल लगभग इन कानूनों के पक्ष के बीच ही भुगत रही थी तो वो बड़ी पार्टी श्रोमणी अकाली दल जी अपने आपू किसानों की पार्टी समझती है कहाँदी है वो पार्टी तो अपने केंद्र तो चिट्ठिया लिया के ते प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इतों तक के बुजुर्ग प्रकाश सिंह बादल टीचा शायद खेती कानून रद्द करवाना उन्हां राही वो डिफेंस बोलते सी साडा प्रेशर है जिहड़ा वो ये है भी हुण भारतीय जनता पार्टी तो बिना बाकी सारिया ताकत ने देर आए दुरुस्त आए वो इस गल के उत्ते आके खड़िया हो गए कि ये जो कानून ने ये किसान विरोधी हो निकले ये लोगों विरोधी ने साहब पर सवाल यह है कि वह तो एसिया च बैठे ने ठंडे कमर च बैठे ने इधर किसान धुप च सड़ रहा उन्होंने की ये गल का हक है कि वह एसिया च बैठन तो साढ़े किसान गर्मी धुप्पा च सड़न मैं ये कहना चाहना कि साढ़िया 31 किसान जथेबंदियां ने यह फैसला किया दृढ़ता नाल कि असी इन काले कानूनों के जिथे खिलाफ लोगों लामबंद करना उत्थे बीजेपी के प्रचारक चाहे वह मंत्री होण चाहे इन्हां दे अहुदेदार होण जिथे किते भी लोगों के जाके ये गुमराह को प्रचार करने वास्ते जाणगे उन्हां कानूनों के पक्ष में बोलने वास्ते जाणगे असी काले झंडे लैके असी जथेबंदियां दे झंडे लैके असी प्रोटेस्ट करांगे इहदे खिलाफ बार बार कह रहे ने एक एक दूजे पासे तुसीं कह रहे हो कि वह गुमराह कर रहे ने वह कहिंदे तुसीं गुमराह कर रहे हो इस तरह की भी गल सामने देखो सरकार का पक्ष है जिहड़ा वह इस करके भी कमजोर है कि पार्लीमेंट हिंदुस्तान की है जिहड़ी वह सदन पार्लीमेंट का चाहे लोग सभा है चाहे राज्यसभा है लोगों का यकीन है कि चाहे
कुछ भी है जेडे उ चुने हुए नुमाइंदे ने वो जाके साडे पक्ष की गल करनगे। पार्लीमेंट के मेजोरिटी सी इन्होंने उन्होंने पास करवा दिता, पर राज्यसभा दे विच एक घट गिरती सी सरकार ते इन्होंने जवानी तौर पर ही पास पास करके करता। उत्थे वोटिंग दी जिहड़ा हक सी जेकर एक भी राज्यसभा मैंबर ये कहे कि वोटिंग है जिहड़ी वो होनी चाहिए है डिवाइड होना चाहिए। 140 सी उन्होंने भी कुछ नहीं किया है, जेडे इन्होंने तो 86 सी राज्यसभा दे विच और ये नहीं ये नहीं कहा भी उत्थे कहा नहीं। विरोधी धिर प्रोटेस्ट कर दिया रही असीं टीवी ते देखिया, जे एक भी बंदा उत्थे आके प्रोटेस्ट करता ना भी वोटिंग होनी चाहिए है सरकार नूं करवानी चाहिए सी, पर क्योंकि सरकार घट गिरती जा राज्यसभा च कानून पास नहीं सी हो सकता इन्होंने मतलब उत्थे पास पास करना संविधान की भी यह संविधान की उलंघना है। तो सानू इस गल का खासा कि जिवें पिछले दिनी सुप्रीम कोर्ट ने भी कई इस तरह के कानून जिहड़े फैसले ने वह किए ने जिहड़े लोगों के मन शक पैदा करते हैं, तो पार्लीमेंट के भी इस तरह की कार्रवाई होने लग गई तो लोगों इस गल का आने वाले समय चाहिए भी साडा इन अदारियां तो जिन्हों मोदी ने अपने कब्जे कर लिया लोगों का यकीन है जिहड़ा वह टुटता जा रहा। किरती किसान यूनियन के आगू ने भाई जी की नाम तुहाडा? मैं साधु सिंह गच्चरवाल जिला सकत्तर किरती किसान यूनियन। कहना चाहते हो अज तुसीं इत्थे आए हो? असीं अज इस करके इत्थे आए हां कि अज सानू तकरीबन 9 बजे पता लग्या कि जिहड़े पंजाब दे भाजपा दे आगू आसवरी शर्मा वो इत्थे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे आ, ते इन्होंने अगे भी कोशिश की आ संगरूर दे विच भी असीं इन्हां नूं घेरिया किसानां ने, ते उत्थे भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करन तों रोकिया क्योंकि जिहड़ी केंद्र दी मोदी सरकार आ उह उत्थों कह के इन्हां नूं भेजदी आ कि तुसीं जाओ किसानां नूं पंजाब दे लोकां नूं गमराह करो कि जिहड़े किसान बिल बनाए खेती एक्ट कानून बनाए आ ये किसानां दे हक च आ, पर यह गल सानू सारे पंजाब नूं पता सारे देश वासियों नूं पता कि जे किसानां दे हक च हुंदे तां किसान आ जिहड़े पिछले 20 दिन तों 25 दिन तों रेलवे लाइनां ते बैठे आ सड़कां ते बैठे आ रिलायंस पंप घेरे होए आ ते टूल प्लाजे घेरे होए आ ते जिहड़े इन्हां दे मॉल आ उन्हां दे घराओ किते होए आ। ऐवें ही रहूगा जद तक खेती कानून रद्द नहीं हुंदे हैगे संघर्ष जारी रहूगा? जिन्ना चिर कानून रद्द नहीं हुंदे उन्ना चिर संघर्ष जारी रहूगा। असीं ये अज ऐलान करते हैं कि जिन्ना चिर एक भाजपा केंद्र की मोदी सरकार कानून रद्द नहीं करती सानू चाहे किनियां मर्जी बड़ियां कुर्बानियां देनियां पैण असीं बच्चा बच्चा झोक देंगे, पर अपनियां जिहड़ियां इत्थों दियां मंडियां अपनियां जमीनां ये कारपोरेट घराणे दे सज नहीं जाण देवांगे। ठीक है, अगला प्रोग्राम किवें दा होगा? ये तो चल ही रहा हुण ये सारा कुछ, इहदे नाल दबाव पऊगा सरकार ते? हाँ, अगला प्रोग्राम 20 तरीक नूं उन्होंने जथेबंदियों ने डिसाइड करना है भी की होगा, पर मैं एक छोटा जिहा दसना चाहुंदा भी इस घोल की हुण तक की प्राप्ति है जी। हुण तक की प्राप्ति इहदी घोल की यह है शुरू शुरू च लगता है सी भी कल्ला किसानां दा कम है, यह हुण मजदूरां नूं भी पता लग गया दूजियां नूं भी लग गया। मैनूं खुशी हुंदी है यह दसदिआं होइआं भी पंजाब दे 162 वाइस चांसलर DPI प्रिंसीपल दूजे अधिकारी प्रोफेसर उन्होंने इन्हां कानूनां दे विरुद्ध किसानां दे हक च बयान दिता है। ठीक है, 150 दे करीब डाक्टरां ने 150 दे करीब उन्होंने किसानां दे हक च बयान दिता है। ठीक है, बहुत धन्यवाद प्रोफेसर जयपाल जी। ठीक है, सारयां दा सहयोग मिल रहा है। फिलहाल कैमरामैन परविंदर दे नाल रणबीर सिंह राणा।